दिवाली के दिन चुपके से 7 कौड़ी यहां दबा देना, इतना पैसा आएगा गिनते गिनते थक जाओगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्या आप भी चाहते हैं कि दिवाली के दिन आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा बरसे, आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिले, घर का कोना कोना खुशियों से भरा रहे? तो फिर देर किस बात की, इस दिवाली आप भी चुपके से कोई कारगर उपाय कर डालिए, क्योंकि दिवाली के दिन लक्ष्मी मां की पूजा के साथ साथ किए गए उपायों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। उपाय करिए, फिर देखिए चमत्कार। दिवाली की रात चुपके से 7 कौड़ी यहां दबा देना, इतना पैसा आएगा गिनते गिनते थक जाओगे। आप भी दिवाली की रात अपनी लाइफ में कुछ अच्छा पाने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया तरीका जरूर अपनाते होंगे, चाहे वो पूजा पाठ से संबंधित हो या किसी उपाय या टोटके से। तो क्यों ना इस दिवाली भी आप कुछ नया करें, और उस उपाय को करने के बाद आपको उससे मिलने वाला फल आपके जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लेकर आएगा। आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा, साथ ही मां लक्ष्मी आपके घर में स्थिर रूप में विराजमान होकर पूरे साल आपके घर परिवार पे अपनी कृपा बरसाती रहेंगी और आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। आपको दिवाली के दिन 7 कौड़ियां कहां दबा कर रखते हैं, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। आइए जानते हैं दिवाली पे किए जाने वाले कौड़ियों के उपायों के बारे में। आप भी अगर मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो दिवाली पे लक्ष्मी पूजन से पहले धनतेरस के दिन कुबेर और लक्ष्मी पूजन में 11 कौड़ियों को रखें, फिर बाद में लाल कपड़े में बांधकर उसको मेन गेट पे लटका दें। ऐसा करने से दिवाली के दिन घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और घर से नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है। इसके अलावा आप बाजार से खरीद कर लाई गई 5 पीली कौड़ियों को 9 9 गोमती चक्र के साथ मां लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें, फिर पूरे विधि विधान के साथ मां लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद अगले दिन सारी कौड़ियों को 5 कौड़ी और गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या आलमारी में रख दीजिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है, साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा से कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होती। गुरु जी कहते हैं कि दिवाली की पूजा में बहुत सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए उनके चरणों में अर्पित की जाने वाली चीजों में सबसे अहम चीज कौड़ियां भी रखी जाती हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी माता का प्रतीक मानी जाती है। मां लक्ष्मी और कौड़ी दोनों का समुद्र से संबंध है, इसलिए धन प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्त धनतेरस के दिन खरीद कर लाई गई कौड़ियां लक्ष्मी पूजन में जरूर प्रयोग करते हैं। अमावस्या की रात को लक्ष्मी पूजन किया जाता है और इसे महानिशा की रात भी कहा जाता है। दिवाली की रात पूजा में कौड़ियों का उपयोग या उससे किए गए उपाय सिर्फ घर गृहस्थी वाले लोग ही नहीं, तंत्र विद्या करने वाले लोग भी जरूर करते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धनतेरस या दिवाली के दिन कौड़ियों के साथ की गई पूजा या उपाय से धन वृद्धि के योग बना शुरू हो जाते हैं और मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन में उन्नति के मार्ग भी खुल सकते हैं। दिवाली के दिन कौड़ियों से किए गए उपाय के अलावा और भी चीजों से आप उपाय कर सकते हैं। आप दिवाली के दिन घी में कमल घट्टे को मिलाकर मां लक्ष्मी को भोग लगाएं या उससे मां लक्ष्मी की पूजा के बाद हवन करें तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। कहते हैं कि इस उपाय से व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है। इस उपाय को करने से घर में कैसी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो घर से बाहर चली जाएगी और घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। अगर संभव हो तो आप 108 कमल गट्टे की माला मां लक्ष्मी को पहना दें, इससे मां लक्ष्मी स्थिर रूप में आपके घर निवास करती है। इतना ही नहीं, धन वृद्धि और बरकत के लिए आप कमल गट्टों की बनी माला आपके घर में हमेशा रखें तो आपको चमत्कारिक रूप से लाभ मिलेगा। मां लक्ष्मी को आप दिवाली के दिन कमल घट्टे और मखाने से बनी हुई खीर का भोग अगर लगाते हैं तो मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मां लक्ष्मी सदा आपके घर में निवास करती हैं। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप दिवाली के दिन धनिया हल्दी की गांठ कमल घट्टा 5 कौड़ियां और क्रिस्टल नमक को एक साथ लाल रंग के कपड़े में पोटली बनाकर घर के पास किसी भी लक्ष्मी मंदिर में लेकर जाए और मां लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पे रख दें।
ऐसा करने से आपके घर या बिजनेस में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं आएगी। अब बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो सात कौड़ियों से किया जाता है और जिसे करने के बाद आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। आप अगर दिवाली के दिन सात कौड़ियों को केसर और हल्दी के घोल में भिगोकर रखें, फिर दिवाली की पूजा करते समय माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करें, इसके बाद माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें और कुछ समय के लिए इन पीली कौड़ियों को उनके चरणों में अर्पित कर दें। पूजा के बाद इन कौड़ियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उस पोटली को चुपचाप अपनी तिजोरी या जहां आप अपना रुपया पैसा या जेवर रखते हैं उस आलमारी में रख दें। ऐसा करने से दिवाली पे मंगल ही मंगल होता है और आपके जीवन से धन संबंधी समस्याएं खत्म होने लगती हैं। इसके अलावा आप और भी उपाय कर सकते हैं। आप धनतेरस के दिन धन कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा के समय एक दीपक में एक कौड़ी और एक रुपए का एक सिक्का रख दें। इसके बाद कौड़ी और सिक्के को लाल कपड़े में बांध कर जहां अपना धन रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से घर के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। धनतेरस के बाद दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय पांच पीली कौड़ी, पांच गांठ काली हल्दी और पांच साबुत सुपारी को गंगा जल में पहले धो लें, फिर उनको लाल कपड़े में बांधकर चांदी की कटोरी या पूजा की थाली में रख दें। इसे रात भर पूजा पे ही रहने दें। इसके बाद अगले दिन इस पोटली को तिजोरी या अलमारी में सुरक्षित रख दें। ऐसा करने से घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहेगा और आपके जीवन में उन्नति का मार्ग हमेशा खुला रहेगा। दिवाली के दिन किया गया छोटे से छोटा उपाय भी आपके जीवन में धन आगमन के रास्ते खोलता है। क्या आप भी चाहते हैं कि दिवाली के दिन आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे, आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिले, घर का कोना कोना खुशियों से भरा रहे? तो फिर देर किस बात की, इस दिवाली आप भी चुपके से कोई कारगर उपाय कर डालिए, क्योंकि दिवाली के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा के साथ साथ किए गए उपायों से जीवन में सुख समृद्धि आती है। दिवाली के दिन कौड़ियों से किए गए उपाय के अलावा और भी चीजों से आप उपाय कर सकते हैं। आप दिवाली के दिन घी में कमल घट्टे को मिलाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं या उससे माँ लक्ष्मी की पूजा के बाद हवन करें तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। कहते हैं कि इस उपाय से व्यक्ति राजा जैसा जीवन जीता है। इस उपाय को करने से घर में कैसी भी नेगेटिव एनर्जी होगी वो घर से बाहर चली जाएगी और घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी का वास होगा। अगर संभव हो तो आप 108 कमल गट्टे की माला माँ लक्ष्मी को पहना दें। इससे माँ लक्ष्मी स्थिर रूप में आपके घर निवास करती है। इतना ही नहीं, धन वृद्धि और बरकत के लिए आप कमल गट्टों की बनी माला आपके घर में हमेशा रखें तो आपको चमत्कारिक रूप से लाभ मिलेगा। माँ लक्ष्मी को आप दिवाली के दिन कमल गट्टे और मखाने से बनी हुई खीर का भोग अगर लगाते हैं तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माँ लक्ष्मी सदा आपके घर में निवास करती हैं। माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आप दिवाली के दिन धनिया, हल्दी की गांठ, कमल गट्टा, पांच कौड़ियां और क्रिस्टल नमक को एक साथ लाल रंग के कपड़े में पोटली बनाकर घर के पास किसी भी लक्ष्मी मंदिर में लेकर जाए और माँ लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराकर अपनी तिजोरी या धन रखने की जगह पे रख दें। ऐसा करने से आपके घर या बिजनेस में कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं आएगी। आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। अब बात करते हैं उस उपाय के बारे में जो सात कौड़ियों से किया जाता है और जिसे करने के बाद आपके घर में इतना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाएंगे। आप अगर दिवाली के दिन सात कौड़ियों को केसर और हल्दी के घोल में भिगोकर रखें, फिर दिवाली की पूजा करते समय माँ लक्ष्मी के बीज मंत्रों का जाप करें, इसके बाद माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें और कुछ समय के लिए इन पीली कौड़ियों को उनके चरणों में अर्पित कर दें। पूजा के बाद इन कौड़ियों को लाल रंग के कपड़े में बांधकर उस पोटली को चुपचाप अपनी तिजोरी या जहां आप अपना रुपया पैसा या जेवर रखते हैं उस आलमारी में रख दें। ऐसा करने से दिवाली पे मंगल ही मंगल होता है और आपके जीवन से धन संबंधी समस्याएं खत्म होने लगती हैं। इसके अलावा आप और भी उपाय कर सकते हैं। आप धनतेरस के दिन धन कुबेर और माँ लक्ष्मी की पूजा के समय एक दीपक में एक कौड़ी और एक रुपए का एक सिक्का रख दें।
इसके बाद कौड़ी और सिक्के को लाल कपड़े में बांधकर जहां अपना धन रखते हैं वहां रख दें। ऐसा करने से घर के सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है। धनतेरस के बाद दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन के समय 5 पीली कौड़ी, 5 गांठ काली हल्दी और 5 साबुत सुपारी को गंगा जल में पहले धो लें, फिर उनको लाल कपड़े में बांधकर चांदी की कटोरी या पूजा की थाली में रख दें। इसे रात भर पूजा पे ही रहने दें। इसके बाद अगले दिन इस पोटली को तिजोरी या अलमारी में सुरक्षित रख दें। ऐसा करने से घर में हमेशा माँ लक्ष्मी का वास रहेगा और आपके जीवन में उन्नति का मार्ग हमेशा खुला रहेगा। आइए जानते हैं दिवाली पे किए जाने वाले कौड़ियों के उपायों के बारे में। आप भी अगर माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो दिवाली पे लक्ष्मी पूजन से पहले धनतेरस के दिन कुबेर और लक्ष्मी पूजन में 11 कौड़ियों को रखें, फिर बाद में लाल कपड़े में बांधकर उसको मेन गेट पे लटका दें। ऐसा करने से दिवाली के दिन घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और घर से नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है। इसके अलावा आप बाजार से खरीद कर लाई गई 5 पीली कौड़ियों को 9-9 गोमती चक्र के साथ माँ लक्ष्मी के चरणों में अर्पित कर दें, फिर पूरे विधि विधान के साथ माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करें। उसके बाद अगले दिन सारी कौड़ियों को 5 कौड़ी और गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या आलमारी में रख दीजिए। ऐसा करने से घर में समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से कभी भी धन संबंधित परेशानी नहीं होती। दिवाली के दिन 7 कौड़ियों से किए गए उपाय आपको अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको गुरु जी की कृपा प्राप्त होती रहे।